स्टूडेंट आपके सामने रफत समीला हाजिर है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 के मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आपको करा रहा हूँ। अभी समझने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको सिर्फ दो ही तरह के फार्मूले से रबता पड़ रहा है। एक तो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर नंबर 2ab जमा बी स्क्वायर है, और दूसरा वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी जरा ए माइनस बी, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो वही फार्मूले इसमें भी इस्तेमाल होंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ी कामयाबी होगी। आप ठीक है, मैं आप स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कराऊंगा। आप अपनी बुक खोल लें ताकि आपकी समझ में आता रहे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है, लिखा हुआ है फाइंड द फैक्टर ऑफ। नंबर 1 है 2x + z का होल स्क्वायर। 2x + z का होल स्क्वायर माइनस 2x - z, 2x - z का होल स्क्वायर। यह आपको इस कंडीशन में सवाल दे रखा है। अब आप यहाँ नोट करें इस बात पे कि आपको ब्रैकेट्स के अंदर जो स्क्वायर की शक्ल में दे रखा है आपको, तो आपने करना क्या है। ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें फार्मूला जो लगेगा बच्चों वो ये होगा कि आप देख रहे हैं कि 2x + z को अगर मैं a के बराबर ले लूँ और 2x - z को मैं अगर b के बराबर ले लूँ तो मेरा फार्मूला बन जाएगा a² - b². ठीक है, तो चुनाव में फार्मूला इसमें पुट करना पड़ेगा आपको a² - b² का, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा था। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। तो पहले लिखें आप सॉल्व, सवाल उतार लें दोबारा। 2x + z का होल स्क्वायर माइनस 2x - z का होल स्क्वायर। ठीक है, सवाल उतार लिया हमने, अब उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, फार्मूला क्या होगा हमारा, a² - b² बराबर होता है a+b और a-b। ठीक है, अब हम सवाल को दोबारा उतारेंगे, या अगर ना भी उतारें तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं दोबारा उतार के आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 2x + z का होल स्क्वायर माइनस 2x - z का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप पहली रकम को a के बराबर ले लेंगे और दूसरी रकम को b के बराबर ले लेंगे, तो इसका रिलेशन देखिए इसके साथ हो गया, इसका रिलेशन इसके साथ हो गया, और दोनों पे स्क्वायर देख लें ब्रैकेटों पे, इस पे भी दोनों पे स्क्वायर है। तो हमने देखा कि पहले ब्रैकेट के अंदर a और b को प्लस के निशान के साथ लिखा गया है, दूसरे ब्रैकेट में a को और b को माइनस के निशान के साथ लिखा गया है। तो चुनाचे हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में फाइनल स्टेप होगा आपका, 2x + z लिखेंगे a की जगह, 2x + z। ठीक है, प्लस का निशान डालेंगे और b की जगह लिखेंगे 2x - z। ठीक है, ये तो आ गया आपका पहला पार्ट, यानी a+b। अब बड़ा ब्रैकेट डालेंगे, a की जगह फिर 2x + z लिख देंगे आप, और माइनस का निशान डाल के 2x - z b की जगह लिख देंगे। ठीक है, तो आपके पास फार्मूले के मुताबिक a+b ये वाला आ गया और a - b ये वाला आ गया, ये इसका आंसर आपकी बुक के अंदर, यही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की। ठीक है, अब मैं पार्ट 2 करता हूँ इसका, सब सवाल ऐसे ही हैं बेटा, आप समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे सब सवाल आ जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। आपका काम है सिर्फ प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस किया करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे इतने ज़्यादा आप माहिर हो जाएंगे मैथ के अंदर, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है हमारे पास, 4a - 9b का होल स्क्वायर। 4a - 9b का होल स्क्वायर माइनस, दूसरी फिगर है इसकी, 2a + 5b का होल स्क्वायर। 2a + 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा पार्ट 2 है, ये बेटा पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर कौन से का, 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है बेटा हमारा, ये पार्ट 2 है, सामने लिख दिया मैंने आपके। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, देखिए दोनों पे स्क्वायर है और बीच में माइनस निशान है, इसको a के बराबर ले लेंगे, इसको b के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, और 4a - 9b का होल स्क्वायर माइनस 2a + 5b का होल स्क्वायर, लिख दिया हमने सवाल दोबारा। अब उसके बाद फार्मूला लेंगे आप, जिसे मैंने पीछे आपको कराया था, a² - b² = a+b और a-b।
बी दे दिया आप, ठीक है। फिर उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पर सवाल दोबारा उतार ले आप, 4a-9b का होल स्क्वायर माइनस 2a+5b का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, बराबर का निशान डालेंगे। अब ये a के बराबर है और ये b के बराबर है, तो चाहिए a जमा b है ना, वहाँ पर a की जगह ये लिख देंगे और b की जगह ये लिखना है हमने, तो पहले ब्रैकेट में, तो चाहिए वहाँ जगह नहीं है, मैं आपको ये नीचे लिख के दिखा रहा हूँ। बराबर 4a-9b मैंने ले दिया, ये ले दिया बेटा, और प्लस का निशान डालेंगे दरमियान में और 2a+5b लिख देंगे, 2a+5b, ये तो आ गया आपका पहला, ठीक है, पहला पार्ट आ गया a+b। अब a-b लिखना, तो हमने फिर बड़ा ब्रैकेट डाला, 4a-9b ये लिख दिया हमने और ब्रैकेट बंद किया छोटा वाला, और माइनस का निशान डाल के 2a+5b हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। सारे सवाल ऐसे करने बच्चों, आप फिक्र नहीं करें, चले गए पार्ट टू भी हमारे पास आ गया, और हम पार्ट थ्री करते हैं। इजी सवाल है, बिल्कुल तेजी के साथ हो जाएंगे आप, बस नोटिफिकेशन करें, आप नोटिफाइड करें, आप बस प्रैक्टिस किया करें, मैं आपको बार बार एक ही बार की तलखीन करता हूँ बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट थ्री हमारे पास 169x4 पार्ट थ्री हमारा स्टार्ट हो रहा है, 169x4 -3t ब्रैकेट में है और +4 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर और लगा हुआ है इसको है, ठीक है, ये हमारा सवाल आ गया, ठीक। अब उसके बाद देखें आप, इसमें एक ब्रैकेट है और एक बगैर ब्रैकेट के, ठीक है, एक ब्रैकेट है और एक बगैर ब्रैकेट के, तो चुनाचे आप यहाँ लिखे सॉल्व 169x4 -3t +4 का स्क्वायर, सवाल आपने पहले उतार लिया आपने, ठीक है, क्लियर उतार लिया आपने। उसके बाद हमने देखा 169 किसका स्क्वायर है, तो बेटा 169 मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया 13 का स्क्वायर होता है, तो 169 की जगह 13 लिखेंगे और x4 की पावर जो है आधी कर देंगे और इस पर लगा देंगे स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। 169 की जगह 13 लिखना है और x4 की जगह x2 लिखकर होल स्क्वायर बाहर लगा देंगे, माइनस और ये अलग ब्रैकेट है आप ऐसे ही लिख दें 3t+4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों रकमों पे स्क्वायर बीच मार के निशान, फार्मूला पुट करें a²-b² = a+b और a-b। उसके बाद आपने करना क्या है, ये a की जगह ये b की जगह है ना, तो आपने फार्मूले के मुताबिक a की जगह ये लिखना और b की जगह ये ब्रैकेट लिखना है आपने, तो बस जवाब कितना आ जाएगा आपके पास 13x2 देखें ये अला आ गया हमारे पास और प्लस का निशान डाल दिया और 3t+4 लिख दिया 3t+4 और ये आ गया आपका पहला पार्ट यानी a+b। अब दूसरे पार्ट में हमने कहना है a की जगह तो 13x² आपने फिर लिखना है, माइनस का निशान डालें और 3t+4 फिर दोबारा उतार लें, इसका आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट फोर देखते हैं, पार्ट फोर हमारे पास क्या है, 9x² - 4y² 9x² पार्ट फोर है हमारे पास 9x² - 4y² का स्क्वायर, ठीक है, माइनस और दूसरा इसका 4x² - y² 4x² - y² का स्क्वायर, ये हमारे पास सवाल आ गया। उसके बाद हमने करना है, देखिए ये a की जगह इस्तेमाल करना है और अपने ये b की जगह, इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो चुनाचे हम पहले लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे 9x² - 4y² का स्क्वायर लिख दें आप, माइनस 4x² - y² का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों पे स्क्वायर है, फार्मूला लगा दें आप, फार्मूला क्या होगा, वही पुराना चल रहा है हमारा, a²-b² = a+b और a-b होता है बेटा, आपको पता है अच्छी तरह से, ठीक है। तो चुनाव चाहिए फार्मूले के रूप से, हम पहला ब्रैकेट a के बराबर है, दूसरा b के बराबर है, तो a की जगह पर 9x² - 4y²
ये तो आगे पहला एक ही जगह प्लस का निशान डालें ये वाला आप, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट लेते हैं आप, 4x² - y² ये आ गया आपका पहला, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में आपने एक ही जगह वही 9x² यही रकम लेते हैं -4y² ब्रैकेट बंद करें और माइनस का निशान डाल के 4x² - y², ठीक है। तो आपके पास देखें तो ये आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा, एक ही जैसे सवाल है बच्चों, आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह आप इजी समझेंगे। आप कोशिश करते रहा करें, बस आप समझेंगे। मेरी वीडियो देखा करें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अगर आपने अब तक नहीं करिए, और आप लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई, फिफ्थ पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। फिफ्थ है हमारे पास a² + 2 a² + 2 + 1/a² ये तो आ गया पहला ब्रैकेट आपके पास, ठीक है। माइनस माइनस का निशान डालें और b² - 2 b² - 2 + 1/b² ये है हमारे पास सवाल नंबर अगला, ठीक है। एक बात पे गौर करें, देखिए स्क्वायर ए का स्क्वायर है, ठीक है। 1/a² 1/a² और प्लस का निशान डाल के +2 लिखा हुआ है, तो इसमें लगेगा बेटा पहले फार्मूला आपका a + b² और देखें यहाँ पर क्या है, b² b² है और 1/b² 1/b² है और -2 लिखा है, इसमें लगेगा a - b² फार्मूला, ठीक है। तो चुनाचे हम पहले जो है इसकी तरतीब बना लेते हैं, फिर आपकी समझ में आएगा, डायरेक्ट करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है सॉल्व लिखें आप और शुरू करें। सॉल्व देखिए जी, a² a² है नहीं है इसका, लेकिन मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन नंबर ये आपको 3-4 जो कराया इसी रिलेशन है इसका, ठीक है। प्लस का निशान डाल के 2 लिखें, ब्रैकेट डाल दें 2 ऐसे करके, +1/a 1/a² आ गया आपका, ये तो आ गया आपका पहला पार्ट ये वाला, ठीक है। माइनस का निशान डालें बीच में और फिर b² b² है, माइनस का निशान डाल के 2 लिखें, 2 ब्रैकेट बना दें और +1/b² की जगह 1/b² ले दें आप इस तरह से करके, ठीक है। तो देख रहे हैं कि अगर ब्रैकेट में आप पहले ब्रैकेट में ए ले देंगे आप ये, और दूसरा 1/a ले देंगे। अब थोड़ा चेकिंग करके देखें आप क्या आ रहा है, देखिए a से a कट गया तो 2 × 2 आ रहा है ना आपके पास, देखिए +2 आ गया। इसी तरह से इन खाली ब्रैकेट में आपने क्या करना कि b पहले ब्रैकेट में तो आपने डालना है ये वाला b और दूसरे में 1/b डालना आपने, तो b से b कैंसिल होगा, 2 - 2 × 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगले स्टेप में a लिखेंगे ये वाला, प्लस का निशान b का रकम का डालेंगे और 1/a का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि उसमें a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लग गया, ठीक है। सब रकमों की जगह a + 1/a का स्क्वायर आ गया, माइनस का निशान डालेंगे b, ठीक है, -1/b पहली और आखिरी रकम लिखनी है आपने बस। अब दोनों पे स्क्वायर, बीच में माइनस का निशान, अब फार्मूला दूसरा वाला पुट करें, लिखें a² - b² बराबर होता है a+b और a - b, ठीक है। तो चुनाचे इस फार्मूले के रूप से a की जगह आपने ये, b की जगह ये लिखना है आपने, तो a+1/a लिखा आपने ये वाला और प्लस का निशान डाल के ये वाला, देखें a+b है ना हमारे पास, a की जगह तो ये लिखना है, b की जगह पर आपने दूसरा ब्रैकेट लिखना है, b - 1/b लिखते हैं आप, ये तो आगे पहला ब्रैकेट। अब दूसरे ब्रैकेट में a की जगह फिर a+1/a लिखते हैं आप और माइनस का निशान डाल के ये वाला और b की जगह 1/b लिख दें, b - 1/b, ये ले जी इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पार्ट 5 भी हो गया, 6 वाला भी ऐसे करना है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ ताकि पार्ट पूरा क्लियर हो जाए मेरे पास से। कुछ सवाल के इसमें जवाब गलत हैं बेटा, आप ये मेरी जो मैं आपको सवाल करा रहा हूँ आपकी रोशनी में कीजिएगा इंशाल्लाह, जो जवाब गलत आ रहे हैं किताब के अंदर तस्दीक कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट एडिशन है इस बुक का, इसमें इन्होंने काफ़ी जवाब गलत दे रखे हैं, ठीक है। आप इसकी तस्दीक कर लीजिएगा इंशाल्लाह, आपकी समझ में आएंगे, किताब में सही कर लीजिएगा आप। सिक्स पार्ट है हमारा 9x² + 1/9x² + -4y²
माइनस फोर बाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर बाई स्क्वायर, और आखिर में लिखा है प्लस फोर। अच्छा इसमें एक लॉजिक है, आप इसको लॉजिक को समझे पहले, ठीक है। लॉजिक है इसमें, डायरेक्ट नहीं दिया इन्होंने, इसमें इन्होंने डायरेक्ट हिसाब किताब नहीं दिया, बल्कि एक लॉजिक दे दिए, और लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले इसकी अरेंजिंग करनी है, सबसे पहले हमने करनी है इसकी अरेंजिंग। अच्छा जी, अब देखें ये दो रकमें हैं ना, आप ये पहले बता दें, यहाँ लिखे सॉल्व 9x² लिखा आपने, प्लस 1/9x² लिख दिया, ठीक है। ये दो रकमें लिखने के बाद में करना का, यानी ये रकमें मत उतारिएगा आप यानी, ठीक है, ये रकमें नहीं उतारनी है आपने। ये प्लस फोर है ना, प्लस फोर के आप आधे आधे कर दें, प्लस टू, ठीक है, प्लस टू प्लस टू, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू आता है ना उसके अंदर, तो इस फोर की जगह आपने टू लिखना है, एक टू इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, एक टू उसमें इस्तेमाल कर लेंगे, दोनों में आधा आधा करके इस्तेमाल करना है आपने। तो चुनांचे हम क्या करेंगे, इस फोर की जगह प्लस टू ले देंगे सिर्फ, ये नहीं, एक आ गया आपके पास, ठीक है। ये फोर जो था आपने आधा आधा करके तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो दो तो इसके अंदर आ गया। अच्छा जी, अभी हमारे पास बाकी क्या बचा, देखें एक ये भी हो गई, एक ये भी हो गई, इसके आधे टू इस्तेमाल मैंने कर लिया। अभी एक दो तीन रकमें ये बची है मेरे पास, इनमें ले लेंगे मानक निशान कॉमन, इन दोनों में तीनों में मानक निशान कॉमन लेना आपने, ठीक है, मानक निशान कॉमन लेना है। तो मानक निशान कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फोर वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर माइनस माइनस प्लस वन अपान फोर वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और फिर माइनस प्लस माइनस टू लिखना आपने, चार ले लीजिएगा, मैंने बता दिया दो इसके साथ, दो उसके साथ भी लिखना आपने, आधा आधा करना, ठीक है। क्या समझे आप, पहले ब्रैकेट में पहले आपने करना क्या है कि 9x² 1/9x² लिख कर ये चार के साथ, जो चार था ना ये, इसके ब्रेक किया हमने, आधा आधा कर दिया, दो इसके साथ ले लिया, अभी बाकी दो बचा हुआ है वो उसमें लिखना मैंने बाद में। अब इन दोनों रकमों के अंदर, ये तीनों रकमों के अंदर जो है मानक निशान मैंने कॉमन लिया, मानक निशान ब्रैकेट के बाहर लिखा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4y² बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4y² आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और जो दो बचा था ना रिमाइंडर में वो लिखना आपने यहाँ पर, ठीक है। चलेगा 9x² किसका स्क्वायर है बेटा, 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/3x का, यह हो गया, और प्लस 2 ब्रैकेट 3x और 1/3x, वही मैं जैसे लास्ट में कराया था ना, बस में फर्क क्या है कि ये चीज़ ना इधर बीच में लिखी हुई थी और ये कोने पे लिखी थी, मैंने इसको इस अरेंज में कर दिया, बस है वही सवाल ही। ये तो आगे पहला वाला आपका, ये हो गया, मानक निशान डाले आप, मानक निशान डालें, ब्रैकेट बनाए, फोर जो है 2 का स्क्वायर है और y² y का स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस का प्लस का निशान डालें, और 1/4 जो 1/2y का स्क्वायर है, और माइनस 2 ब्रैकेट 2y पहले ब्रैकेट में और दूसरे में 1/2y आ जाएगा आपके पास, ये आ गया दूसरा ब्रैकेट आपके पास, ठीक है, ये आ गया आपके पास दूसरा ब्रैकेट। उसके बाद आपने क्या करना है कि देखें यहाँ पर जो है हमारे पास 3x और 1/3x लिखा ना, 3x से 3x कट जाएगा तो 2 × 2 आ रहा ना, देख लिया आपके पास, इसी तरह 2y का स्क्वायर है, 1/2y का स्क्वायर है, ठीक है, और फिर 2y से 2y कैंसिल होगा तो 2 × 2 देख लेंगे, मानक का बच जाए, तो क्या मतलब फार्मूला मेरा सेट हो गया। तो हमने पहले में क्या करना, बीच में प्लस का निशान है ना 2ab, तो चुनाचे 3x + 1/3x लिख कर होल स्क्वायर डाल देंगे इसके ऊपर आप, ये तो आगे प्लस का फार्मूला। अब मानक निशान ये वाला डाला आपने और ये मानक का 2ab है ना, तो चुनाचे इसमें लिखेंगे 2y + 1/2y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों पे स्क्वायर, बीच में मानक का निशान, तो फार्मूला नंबर दो लगा देंगे कि a² - b² बराबर होता है a+b और a-b, तो चुनाचे इस फार्मूले के रूल से पहले ब्रैकेट में ये, दूसरे में ये, एक दफ़ा जमा के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है, तो चुनाचे 3x + 1/3x ये आ गया आपका, प्लस का निशान डाल ये वाला, बी की जगह 2y + 1/2y, ये तो आगे प्लस के निशान के साथ आपका है। अब दूसरे ब्रैकेट में आपने a-b लिखना, तो a की जगह तो ये, b की जगह ये लिखना, तो चुनाचे 3x + 1/3x ये आ गया इसके बारे में, और मानक निशान डाल के b की जगह पर 2y + 1/2y ले जी, इसका आंसर आ गया।
ठीक है बेटा। स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 मैंने लिख दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9z4। अब आप एक बात पे गौर करिए, पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर क्या लॉजिक दिए उन्होंने, इसमें लॉजिक ये दिए, फार्मूला आपने वही करना है इस्तेमाल। देखें एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर है, और प्लस 2xy बीच में लिखा, तो आप इस तरह फर्ज कर लें ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ फार्मूला आपको वही वाला यूज़ करना है जो लास्ट में इस्तेमाल किया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आज हम इसको सॉल्व कुछ इस तरह करेंगे कि सॉल्व लिखेंगे यहाँ पर पहले हम, और फिर एस स्क्वायर एस का स्क्वायर होता है, प्लस का निशान डालेंगे आप, 2 की जगह 2 ब्रैकेट डाल देंगे 2, और प्लस वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर होता है, ये कर देंगे आप पहले ब्रैकेट में बंद, ठीक है, ये इसकी जगह मैंने लिखा है। और माइनस 9 जो है बेटा 3 का स्क्वायर होता है, और जेड 4 जो है उसकी पावर 2 होती है ना आधी, तो ये जेड 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ खाली जगह में पुटिंग करते हैं, तो एस लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ लिख देंगे वाई, तो आप देख लें खुद ब खुद देख लें एस स्क्वायर जमा 2xy देखिए बीच में आ रहा है, जमा वाई स्क्वायर भी आ रहा है, तो मतलब ये वो फार्मूला पुट हो गया, इसके ऊपर सेट हो गया ना हमारे पास, ठीक है। तो चुनाव हम अगले स्टेप में करना क्या है कि एक्स लिखा प्लस का निशान बीच में डाला, वाई का होल स्क्वायर डाल दिया आपने, ठीक है। आप इसकी वजाहत करने के लिए सामने लिख भी सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला इसके अंदर पुट किया है मैंने, ठीक है बेटा। तो चुनाचे माइनस 3z स्क्वायर का स्क्वायर आपने ये ऐसी उतार लिया आपने, अब दोनों रुकमों पर स्क्वायर बीच में मान के शान फार्मूला लगा दें, फार्मूला नंबर 2 आ जाएगा इसके ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी जरा ए माइनस बी। तो चुनाचे अगले स्टेप पर आपने करना क्या है कि एक्स प्लस वाई ए की जगह इस्तेमाल करना है और बी की जगह पर 3z स्क्वायर करना है, तो एक्स प्लस वाई ठीक है प्लस 3z स्क्वायर, ये तो आगे जमा के निशान के साथ आपके साथ, और दूसरे माने का एक्स प्लस वाई और माइनस के निशान के साथ 3z स्क्वायर, ये आपके पास आ गया माइनस के निशान के साथ, ये आंसर है इसका, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग, मुझे उम्मीद आ गया होगा समझ में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 आपके सामने लिखा हुआ मैंने, ठीक है। अब इसमें भी वही लॉजिक है, देखिए 4a स्क्वायर 2a का स्क्वायर है, और 4b4 जो है 2b का 2b स्क्वायर का स्क्वायर है, और बीच में 8ab आ रहा है, तो फार्मूला फिर वही लगेगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व इस तरह करेंगे कि सॉल्व लिखें आप यहाँ पर 4a स्क्वायर जो है 2a का स्क्वायर है, ठीक है, फिर अगर निशान डाल के 2 लिख दें ब्रैकेट 2 डाल दें खाली छोड़ दें, और फिर 4 जो है 2 का स्क्वायर है, b4 जो है b2 का स्क्वायर हो जाएगा, और आप कर दें इसको पूरा होल ब्रैकेट बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें, और माइनस 9 जो है 3 का स्क्वायर है, सी स्क्वायर सी का स्क्वायर है, सबके होल स्क्वायर आपने बना दिए। अभी खाली जगह पुट करके देखें आप, पहले में तो 2a लिख दें, दूसरे में 2b स्क्वायर लिख दें, तो देखें 2 का 4 4 2 का 8 ab स्क्वायर देखिए आ रहा है आपके पास, तो चुनाचे फार्मूला सेट हो गया ना आपके पास। तो चुनाचे अगले स्टेप पर आपने करना क्या है, 2a लिखना है प्लस का निशान बी की रकम का डालना है, और 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर ले देना आपने यहाँ पर, और माइनस 3c का स्क्वायर ले देना आपने। अब दोनों पे स्क्वायर बीच में निशान फार्मूला लगा दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए पॉजिटिव बी और ए निगेटिव बी, और अगले स्टेप में आपने 2a जमा 2b स्क्वायर लिखकर जमा का निशान डाल के ये वाला, देखें a की जगह तो आपने ये लिखना, b की जगह ये लिखना आपने, याद रखिएगा, ठीक है, a की जगह लिख के प्लस का निशान ये डाला, b की जगह 3c लेते हैं आप, और दूसरे में आपने करना क्या है 2a जमा 2b स्क्वायर लिखा आपने ये वाला दोबारा, और माइनस का निशान डाल के 3c लेते हैं आप, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसका पार्ट थ्री देखते हुए इसमें क्या है, उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। पार्ट थ्री इसका है 16d4 माइनस c4 ब्रैकेट में है c4 माइनस 2c स्क्वायर डी और प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये पार्ट अभी जो हमने लास्ट में किया था पार्ट टू उसका उल्टा दे दिया गया है, यानी आपने एक रकम यहाँ दे दी गई और यहाँ पर पूरा होल ब्रैकेट दे दिया गया, तो ये उल्टा है, तरह से सवाल ये भी वैसे करना, आपने फिक्र नहीं करा, मैं कराता हूँ आपको। तो लिखें यहाँ सॉल्व, देखिए 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 4 लिखें आप
डी फोर के आधे कितने को, डी स्क्वायर, तो डी टू लिख दें आप ब्रैकेट में और होल स्क्वायर डाल दें आप, ठीक है, माइनस का निशान बड़ा ब्रैकेट डाल दें। सी फोर जो है सी स्क्वायर का स्क्वायर होता है, सी फोर के आधे सी टू होगा ना, मैंने आपको रहा बता चुका हूँ कि जितनी पावर हो अगर उसकी आप आधी कर दें वो खुद ब खुद स्क्वायर बन जाती है, क्योंकि टू टू द फोर बनता है हमारे पास, पावर आधी कर दें आप वन दे लेते बाद स्क्वायर लगा दें, माइनस का निशान डाल के टू लिखें, दो ब्रैकेट बना दें और प्लस डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर होता है, ये नहीं हो गया। अब इसके अंदर पुटिंग कर दें आप, सी स्क्वायर इसमें लिख दें आप और डी जो है इसके अंदर लिख दें आप, इसके अंदर डी वाला, ठीक है, तो दो सी स्क्वायर डी लिखें बीच में आपके आप पास आ रहा है। तो सुना चाहिए अगले स्टेप में आपने करना क्या है कि फोर डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस के साथ फॉर्मूले के डालना है, देखो बीच वाला डालना पड़ता है, ये मत डाल लीजिएगा कहीं, और डी का होल स्क्वायर कर दें, यानी सी स्क्वायर माइनस के साथ ये अलग डालें और डी का होल स्क्वायर बना दें आप, दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस का निशान आपके पास आ रहा है, फार्मूला वही वाला लगेगा आपका जो लग रहा है, ए पॉजिटिव बी और ए निगेटिव बी आप लिख दें। अब ए की जगह ये लिखना है, बी की जगह आपने ये लिखना है बस, तो फोर डी स्क्वायर लिखा आपने, प्लस का निशान डाला और सी स्क्वायर माइनस डी लिख दिया, ये तो आ गया आपका पहला ब्रैकेट प्लस के निशान के साथ, ये देखिए वाला, ठीक है, बी ए की जगह ये, बी की जगह ये, और दूसरे ब्रैकेट में आपने क्या करना है, फोर डी स्क्वायर लिखना है और माइनस का निशान डालना है, सी स्क्वायर माइनस डी लिख देना, बस खत्म, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, सही है। अच्छा, इसका पार्ट फोर है, थ्री हो गया हमारे पास, पार्ट फोर भी देखें आप, पार्ट फोर एस स्क्वायर प्लस टू एस वाई स्क्वायर और प्लस वाई फोर ब्रैकेट बंद हो गया है माइनस नाइन वाई सिक्स। अब इसमें एक चीज़ आपको मजीद ऐड कर दी, उन्होंने नई चीज़ दे दी आपके लिए, अब देखिए ब्रैकेट तो है ही है इसके अंदर, इसमें फोर भी दे दिया गया है आपने, तो आपने करना क्या है, देखिए पहले सबसे पहले सॉल्व, ठीक है, अब अभी तो फोर आप ऐसे ही लिख दें, बाद में करता हूँ मैं इसका काम, फोर लिखा बाहर आपने, एस स्क्वायर एस का स्क्वायर होता है, प्लस टू लिख के ब्रैकेट डाल दें आप दो, प्लस वाई फोर के आधे के लिखते वाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद कर दें आप, माइनस नाइन थ्री का स्क्वायर होता है और वाई सिक्स के आधे वाई थ्री हो जाते हैं ना, तो वाई थ्री लिख कर और लगा दें बाहर स्क्वायर, ये थ्री है और वो दो है बाहर, ठीक है, उसके बाद पुटिंग करें आप इसके अंदर, पहले में तो एक्स लिख दें ये वाला और दूसरे में वाई स्क्वायर लिख दें, चेकिंग करें टू एक्स वाई स्क्वायर हमारे पास आ रहा है ना, ठीक है, बस काफ़ी है। अब देखें चार किसका स्क्वायर है, टू का स्क्वायर है सर, तो टू निकाला ब्रैकेट, एक्स लिखा हमने वाला और प्लस का निशान बीच का डाला ये वाला और वाई स्क्वायर लिखा और बड़ा ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर लिख दिया बेटा, यहाँ पर देखिए चार भी अंदर लिखा नहीं ब्रैकेट के, चार जो है दो का स्क्वायर होता है और ये एस प्लस वाई का होल स्क्वायर था ना ये, अब क्या करना है मैंने एस प्लस वाई स्क्वायर लिखकर होल स्क्वायर बाहर बड़े ब्रैकेट के बाहर डालना है, चार को भी यूज़ करना है आपने इसके अंदर, दो बाहर लिख के दो का स्क्वायर चार बन जाएगा ना आपके पास, मैंने रख के इस तरह इस्तेमाल किया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, माइनस तीन वाई थ्री का स्क्वायर, अब दोनों ब्रैकेटों पे स्क्वायर बीच में माइनस निशान फार्मूले लगा दें आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, उसके बाद इस फार्मूले के रूप से टू लिखें, एक्स प्लस वाई स्क्वायर लिखें और प्लस का निशान डालें, ठीक है, और बी की जगह थ्री बाई थ्री लिख देगा, ये लो जी पहला ब्रैकेट आपका आ गया प्लस के निशान के साथ वाला, ठीक है, ए की जगह आपने पूरा इस्तेमाल करना और बी की जगह ये वाली रकम इस्तेमाल करनी है आपने, प्लस का निशान बीच में डालना है ए प्लस बी, और यही सूरत हाल अगले में भी करनी है, टू एस प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का निशान डाल के थ्री वाई थ्री का ब्रैकेट, ठीक है, यह इसका आंसर आ गया, समझ में आ गया आपके, ठीक है, आपसे प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ में माहिर जब ही बन जाता है जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, नहीं जी फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है भाई, एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई और प्लस थ्री, ये है आपके पास, ठीक है,
अब आप इसमें देखें कितनी रकमें आ रही हैं, आप 5 रकमें मौजूद हैं इस सवाल के अंदर, ठीक है 5 रकमें मौजूद हैं। अब देखें एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y और ये आपका ये 3 आ गया आपके पास, ठीक है। एक बात पे गौर करें, स्क्वायर देखें हमेशा होनी चाहिए प्लस के, क्या के होनी चाहिए प्लस के होनी चाहिए हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे सूरत हाल में कि स्क्वायर देखें ये तो पॉजिटिव का है, ये माइनस का आ रहा है, तो इसलिए इसको भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, इसको भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चुनाचे सूरत हाल कुछ यूँ होगी कि एस स्क्वायर, यहाँ पर आपको एक जुमला लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय माइनस वन ईच, सबको माइनस से ज़रब कर दें आप, ठीक है सबको आप माइनस से ज़रब कर दें, बल्कि मुनासिब ये रहेगा कि एस स्क्वायर माइनस फोर एक्स जमा टू इसके साथ में अगर ले लूँ तो ये हो जाएगा ठीक ठीक, बल्कि मल्टीप्लाई करते इसको इसके साथ इस्तेमाल दूसरे मेथड से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है दूसरे मेथड से कर देता हूँ। मैं इसकी अरेंजिंग कर रहा हूँ पहले, यहाँ लिखे सॉल्व एक्स स्क्वायर देखें ही पहले लिखा मैंने, फिर माइनस फोर एक्स लेते हैं आप, ठीक है अच्छा जी। अब ये 3 है ना बेटा, ये 3 को आप ब्रेक कर दें, ठीक है क्या कर दें आप ब्रेक कर दें, अब ये 3 है तो 2 जमा 1 हो जाएगा ना इसका बेटा, ठीक है ना। तो चुनाचे इसके अंदर जो है अगर मैं 3 बना लूँ इसके साथ तो इसके 2 टुकड़े बनेंगे, कौन कौन से बन जाएंगे भला बेटा, प्लस 1 और प्लस 2, ठीक है प्लस 1 प्लस 2 3 की जगह आ जाएगा। अब बचा हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y बचा हमारे पास, ये 6 रकमें हुए देख लें आपको, 3 के मैंने फैक्टर बना दिए तो कोई ब्रेक किया मैंने इसको इसके अंदर। अब एस स्क्वायर माइनस 4x जमा 1, अच्छा जी 4x से हमारे पास ये आ गया है और ये माइनस वाई स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर माइनस 2y है, 2 2 4 2 इसके साथ अगर मिला लिया जाए तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है हमारा, 2 2 4 2 का 4 हो जाएगा 4 जमा, इसके अंदर एक कबाहत आ रही है, इसके अंदर 3 के फैक्टर हमारे पास नाकाम हो रहे हैं क्योंकि 1 तो स्क्वायर होता है लेकिन 2 और 1 3 हो रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि प्लस का 4 माइनस का 1 कर देता हूँ इसमें, प्लस का 4 माइनस का 1, ठीक। यहाँ पर आप एक काम करें कि ये जो 3 दे रखा ना इसमें आप करें ये कि अगर आप ये लिख लें 4 माइनस 1, देखें ना 4 में से एक जब भी आपके पास 3 ही बचेगा ना तो ये सूरत हाल ठीक रहेगी इसके अंदर, ठीक है प्लस का 4 माइनस का 1, एस स्क्वायर माइनस 4x जमा 1, एस स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 तो आपने ऐसे ही तो लिखा, आप इसको कर लें ब्रैकेट में बंद। अब माइनसेशन सब में कॉमन ले लें, माइनसेशन सब में कॉमन ले लें तो क्या सूरत रहेगी, माइनस से माइनस कटेगा 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर आएगा और माइनस माइनस प्लस 2y आ जाएगा आपके पास, ये आ गई सूरत हाल, ठीक है। अब एस स्क्वायर एस का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट डालें प्लस 4 जो है 2 का स्क्वायर, ये तो आ गया पहला ब्रैकेट आपके पास ये वाला, ठीक है 3 रकमें थी ना आपके पास, तो एस स्क्वायर एस का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर आ गया और बीच में जो है माइनस 2 रख के 2 ब्रैकेट में खाली छोड़ो ना, पहले में आप एस लेते हैं और इसमें 2 लेते हैं, देखिए 2 2 4 वैसे का वैसे आपके पास आ चुका है और माइनस का निशान डालें, ठीक है माइनस का निशान डालें 1 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है 1 1 का स्क्वायर होता है और y y का स्क्वायर होता है और प्लस 2 लिखें ब्रैकेट डालें 2 अदद इस तरह से करके, पहले में लिखते हैं 1 और दूसरे में लिखते हैं आप इसके अंदर y, तो देखिए 2 1 2 y आपके पास आ रहा है, तो सूर्य दाल कुछ ये हो जाएगी, ये पहला ब्रैकेट हो गया आपके पास यहाँ से यहाँ तक और दूसरा ये हो गया, एक्स माइनस एक्स लिखें माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो आ गया इसका पहले ब्रैकेट, एक्स माइनस देखिए एक्स ये लिखा है मैंने माइनस और 2 का स्क्वायर, ठीक है और माइनस का निशान 1 प्लस वाई या वाई प्लस 1, आप चाहें तो वाई प्लस 1 कर दें या 1 प्लस वाई कर दें, बात तो एक ही रहेगी, वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस का निशान लगाएं, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और जरा ए माइनस बी हो जाएगा आपके पास। तो चुनाचे एक्स माइनस 2 लिखा हमने प्लस के साथ वाई प्लस 1 लिख दिया, ये तो आ गया पहला वाला आपके पास और एक्स माइनस 2 फिर लिखा हमने ये वाला
और माइनस का साइन डाला और वाई प्लस वन दोबारा लिख दिया हमने, ए दो प्लस के साथ ए दो माइनस के साथ, ये आंसर है आपके पास। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया, इस तरह से करना बच्चों ये सवाल। तो आपने ये फाइव पार्ट कर लिए इसके, ठीक है, सिक्स पार्ट आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आठवां सवाल आपके पास करा रहा हूँ, आठवें सवाल का फैक्टराइज, ठीक है, आठवां सवाल का मैं आपको बताता हूँ, वो भी आसान है, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर एट, आज ये मेरी एक्सरसाइज एंड हो जाएगी, पार्ट वन करा रहा हूँ मैं, फैक्टराइज करना है ए बी रूट का होल स्क्वायर और माइनस रूट सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें दोनों पे स्क्वायर बीच में आगे शान है, फार्मूला पुट हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला ए प्लस बी, बल्कि इस तरह करें आप कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और जरब ए माइनस बी, ये फार्मूला लगाना आपने यहाँ पूरी मश में आपने ये फार्मूला चला है। अच्छा जी, ये फार्मूले के रूप से क्या सूरत हाल हो जाएगी, ए बी का स्क्वायर माइनस रूट सी का स्क्वायर बराबर, देखिए ए की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है अनरूट ए बी और बी की जगह इस्तेमाल हो रहा है अनरूट सी, और दोनों पे स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, तो एक हम क्या करेंगे अनरूट ए बी प्लस अनरूट सी, ये तो आगे पहले फिगर में, ए की जगह रूट ए बी आ गया और बी की जगह पर आपका रूट सी आ गया। ठीक है, ये आगे प्लस के निशान के साथ, ये पहला ब्रैकेट, और दूसरे में क्या करना है आपने रूट ए बी माइनस रूट सी, ये आंसर है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सवाल है बच्चों ये। चले पार्ट टू को देखते हैं, इसका क्या है, पार्ट टू में फोर एक्स का स्क्वायर, फोर एक्स का रूट है का स्क्वायर लिखेंगे माइनस नाइन वाई, नाइन वाई का स्क्वायर है। ठीक है, ये पार्ट टू है मेरा, अब इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो पहले लिखते हैं आप सॉल्व, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी जरब ए माइनस बी, ये लिखने के बाद आपने करना क्या, सवाल उतारना है, फोर एक्स का स्क्वायर माइनस रूट नाइन वाई का स्क्वायर बराबर है, बराबर निशान डालें रूट फोर एक्स प्लस के साथ नाइन वाई रूट, ये प्लस के, देखिए दोनों प्लस के साथ लिखिए, रूट रूट ख़त्म नहीं करना है इसमें आपने, और रूट फोर एक्स माइनस रूट नाइन वाई, ये आंसर आ गया। ठीक है, तीसरा दूसरा भी हो गया, आसान है ना, बहुत आसान सवाल दे रखे हैं, तो आखिर में इन्होंने एकदम ईजी सवाल दे दिए। थर्ड देखें जी, थर्ड क्या आया आपके पास, थर्ड ये है अनरूट वाई जेड, अनरूट वाई जेड माइनस वन अपॉन अनरूट वाई जेड, अनरूट वाई जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस पर ब्रैकेट है और स्क्वायर लगा हुआ बच्चों, ये होंगे, ये है हमारा सवाल, सॉल्व करें आप, सॉल्व का निशान। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी जरब ए माइनस बी, ये फार्मूला लगा देंगे आप और फिर सवाल लिखेंगे वाई जेड का स्क्वायर माइनस वन अपान अनरूट वाई जेड का स्क्वायर बराबर है वाई जेड, वाई जेड जो आप क्लियर लिखें वाई जेड रूट का जमा का निशान के साथ वन अपान वाई जेड। ठीक है, और दूसरे में वाई जेड माइनस वन अपान वाई जेड, ये दफा जमा के साथ, ये दफा घटा के साथ भी लिखना, आपने कोई मसला थोड़ी इसके अंदर। ठीक है, तो आपके ये आखिरी सवाल, बल्कि एक रह गया वो भी करा दूँ मैं आपको, क्लियर ही हो जाएगा, चार पार्ट पूरे हो जाएंगे मेरे, उम्मीद है आपके सामने आ रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो आप उसको लाइक करना मत भूला करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं। तो आखिरी सवाल है हमारा एक्स जेड टी, एक्स जेड टी माइनस वन अपॉइंट टी। अच्छा जी, अब देखिए इसके अंदर लॉजिक दे दी उन्होंने, एक्स जेड टी लिखा ना बेटा और फार्मूला हमें लगाना है, अब फार्मूला कैसे लगाएं, अब फार्मूले के लिए चलिएगा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, आप कर लीजिएगा, आइन तक दूसरे भी सवाल ऐसे हो तो इस तरह कीजिएगा, करना क्या है आपने, यहाँ लिखें एक्स जेड टी और लगा दें इसके ऊपर रूट और लगा दें स्क्वायर भी साथ में, देखिए रूट जो है ना स्क्वायर को ख़त्म करता है, रूट जो है
स्क्वायर को खत्म करता है, स्क्वायर रूट को खत्म कर देता है। चौथे अगर कोई खाली रकम अगर आपके पास आ जाए जिसके ऊपर ना तो स्क्वायर हो ना रूट हो, तो आप क्या करें, रूट भी लगाएं और स्क्वायर भी लगाएं, क्योंकि आपने लगाना फार्मूला इसके ऊपर। चौथे एस जेड टी लिखा आपने और रूट लगा दिया, स्क्वायर भी लगा दिया। इसी तरह वन अपॉन टी पे रूट भी लगाएं और स्क्वायर भी लगा दें आप, खत्म। ठीक है, दोनों चीज़ें लगानी पड़ेंगी आपको। ठीक है, आप बेशक लिखना चाहें भी लिख भी सकते हैं कि क्या नाम है, यूज स्क्वायर रूट एन स्क्वायरिंग। आपने स्क्वायरिंग रूट इस्तेमाल करी और स्क्वायर रूट भी इस्तेमाल करा, दोनों बोर्ड पे। ठीक है, तो सुनाचे ये हमारे पास बन गया इसका फार्मूला, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए पॉजिटिव बी और ए नेगेटिव बी, दोनों पे स्क्वायर बीच में मांगेशान, दोनों पे स्क्वायर बीच में मांगेशान आ गया ना। तो चुनाचे हमने क्या करना है, एग्जैक्टली लिखना है का स्क्वायर और माइनस वन अपॉन टी रूट का स्क्वायर बराबर हो गया एक्स जेड टी। ठीक, एक्स जेड टी रूट के साथ प्लस के निशान के साथ वन अपॉन टी रूट के साथ, और बड़ा बेटे का निशान डाल दें आप, और फिर एक्स जेड टी रूट माइनस का निशान वन अपॉन टी रूट ये डाल दें आप, बड़ा डालेंगे छोटा डालते ब्रैकेट, ये आपका बड़ा आंसर आ गया। तो बेटा ये आज मेरी एक्सरसाइज नंबर 4.1 खत्म। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपके सामने जो है 4.2 लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, 4.2 में भी आपको फैक्टराइज ही करने हैं। ठीक है, फैक्टराइज करने इसके भी तकरीबन जो है 5-6 पार्ट हैं। ठीक है, आप एक इसको भी देखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपके सामने हाजिर होंगे तो मैं 4.2 कराऊँगा आपको। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।